लाल कुआं के रहने वाले सेना के विशेष बल में कमांडो मोहन नाथ गोस्वामी को केंद्र सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। गोस्वामी ने सेना में कमांडो रहते 10 आतंकवादियों को ढेर कर महज 35 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए। आपको बता दें कि मोहन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मोहन की वीर गाथाएं हमेशा पूरा देश याद रखेगा। वहीं कश्मीर के हंदवारा में 3 सितंबर 2015 को आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने महज 11 दिनों में आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 10 आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही कई अभियानों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। मैं क्या बोलूं बेटा, मेरे को बोलना ही नहीं आता है, मैं क्या बोलूं? आज आपके लड़के को मान मिल रहा था, वहाँ मेरे को भी तो बुलाते थे, मैं भी तो देखते थे सम्मान को, मैं सम्मान नहीं देखते थे। तो कैसा लग रहा है आपके लड़के को सम्मान मिल रहा है आज देश की तरफ से? खुशी है आपको? खुशी है बेटा, खुशी है। जहाँ सम्मान मिल रहा था थोड़ा, वहाँ मैं भी खड़ा हो जाते तो ठीक ही था। हमारे बीच का एक नौजवान, हमारे बचपन का साथी, जिसने कि इतना बड़ा कार्य किया, आज उसको देश पूरे गर्व के साथ उसका नाम ले रहा है और उसे अशोक चक्र दिया जा रहा है। हमारा पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है कि हमारे बीच में एक ऐसा युवा ने जन्म लिया जिसने कि देश के लिए 10 आतंकवादियों को मारकर देश रक्षा की। को मारा था, हमें बहुत खुशी है कि उन्हें आज अशोक चक्र मिल रहा है। हमारी आमा को भी नहीं बुलाया गया था और चाची ने बताया भी। सम्मान मिल रहा है, पूरा देश के बेटे हैं वो, बस खुशी की बात है। उनको बताया तक नहीं बुलाया, बुलाने की बात छोड़ो, और हमको किसी को पता नहीं है कोई कहाँ जाता है, हमको कोई मालूम नहीं है।